हिमाचल प्रदेश ना शिमला मा वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब नो गरीब कल्याण सम्मेलन नो कार्यक्रम नो जीवंत प्रसारण दीव मलारा ऑडिटोरियम मा करवामां आव्युं। आ समये दमण स्वामी विवेकानंद हॉल मा पण जीवंत प्रसारण नो कार्यक्रम चालु हतो। आ प्रसंगे दमण दीव दादरा नगर हवेली अने लक्षद्वीप ना प्रशासक प्रफुल्ल पटेल साहेबे भारत सरकार नी विविध गरीब लक्षी कल्याण योजना नो लाभ संघ प्रदेश नी जनता ने आपवामां आवेल छे तेनी वात करी અને યોજનાઓ બદલ પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબે વડાપ્રધાન મોદી સાહેબનો આભાર પણ માન્યો। અને મોંઘી પડે છે પણ જળ રસોઈમાં કેન્દ્ર પરથી હું જેનરિક મેડિસિન લઉં તો મને 1.4 કરોડ જેટલા લોકો મળવા પત્ર લાભ છે અને 7 લાખના ઉતારામાં એ પરિવારના જેટલા લોકોનું નામ દાખલ થયેલા હોય એ બધાને 2000 રૂપિયા વર્ષમાં 3 વખત। મિત્રો તમે કલ્પના નહીં કરી હોય લગભગ 2900 કરોડ રૂપિયા આ સંઘ પ્રદેશમાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં મળ્યા છે। તમે કલ્પના કરો 2900 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ આપણા લાભાર્થી ભાઈઓ બહેનોને મળી છે। અહીં બેઠેલા બધાને મને ખબર નથી તો તમને ક્યાંથી ખબર હોય? આ હિસાબ કોઈ કર્યો જ નથી। આટલી મોટી રકમ આ સંઘ પ્રદેશના લાભાર્થીઓ મળી છે લગભગ એવરેજ વર્ષે 575 કરોડ રૂપિયા આ માત્ર આટલા ટચુકડા સંઘ પ્રદેશના લાભાર્થી ભાઈઓ બહેનોને આપવાનું કામ એનું શ્રેય આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને થાય છે। હું અહીંયા જ્યારે આવ્યો ત્યારે સેલવાસાના 1-2 ગામડાઓની મેં મુલાકાત લીધી હતી। આપણને જોઈને ડેફિનેટલી પીડા થાય કે કેવું જીવન જીવે છે બિચારા, એના માટે કંઈક કરવું જ જોઈએ। સીધે સીધા આપણે એમને કેટલા મદદરૂપ થઈ શકીએ એની મને ખબર નથી, પણ સરકારની એવી કોઈ યોજના બનાવવી જોઈએ કે જેના કારણે એને આર્થિક લાભ તો થાય, એને પ્રવૃત્તિ મળે, કામ મળે, અને સાથે સાથે એવું કામ મળે કે જેના કારણે બાળક, એનું પોતાના પરિવારજનો અને સમાજના લોકો પણ લાભ મળે। એટલા માટે ગીર ગાયની એક નવી યોજનાનો આપણે પ્રારંભ કર્યો।
दिल्ली से हिमाचल तक की जो दूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के दिल से हिमाचल की कोई दूरी नहीं है। और वो जो लगाव है, आपसी संपर्क है, आज हम उसकी गर्माहट एक बार फिर से कुछ ही क्षणों में महसूस करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और निश्चित तौर से आप सबकी तालियों के माध्यम से इस बात को हम समझ सकते हैं। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक वो संवेदना, वो संपर्क पहुंचने की जरूरत है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है आपको हर्षोल्लास से भर रहा है। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल की पहचान, यहाँ की शॉल और टोपी से स्वागत किया जा रहा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पुरातात्विक वैभव को प्रदर्शित करता श्री ये रेखा चित्र शिमला स्थित कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के बच्चों द्वारा किन योजनाओं का लाभ मिला? हमें बहुत बड़ा मिला सर, आपके मेहरबानी से, आपके गवर्नमेंट के मेहरबानी से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको जन जीवन मिशन से आपको हमको मिला है, PMYG का स्कीम से हमको घर बनाने का मौका मिला। आपका जिस मकान में रहते थे और अब खुद का मकान मिला है, तो क्या पहले हम जी पहले हमारे पास रूम होते थी, लेकिन बहुत कच्चा रूम होती थी, तो उसमें हमको बैठने का बहुत सहूलियत ठीक से नहीं होता था, क्योंकि बर्फ के टाइम पर, बारिश के टाइम पर शौचालय भी सही नहीं होती थी, हमारे पास आंगन भी नहीं होती, तो बहुत तकलीफ होता था। अभी आपके मेहरबानी से हमें पैसा मिला, तो हमको स्कीम के हिसाब से हमको पैसा मिला, हमको अपना पक्का घर मिला, बहुत मिला, अच्छा मिला, शौचालय भी बनाया, अटैच बाथरूम मिला, आंगन मिला, बहुत मैं खुशी हूँ, बहुत अच्छे हूँ सर। अपने वतन के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात कर रहा हूँ, इसे मैं हृदय पूर्वक खूब पसंद हूँ। अरविंद जी अपने विषय बताइए, क्या कर रहे हो, क्या योजना का लाभ मिला है आपको? हमारा व्यवसाय मंडप डेकोरेशन का है, हमने PM मुद्रा लोन लिया हुआ है। इससे हम पहले छोटा सा धंधा करते थे, जब हम PM मुद्रा से हमको लोन मिला तो हमें हमारा धंधा बढ़ाया। हम पहले 8 लोगों को रोजी देते थे, अब 12 लोगों को रोजी देते हैं, और जो लोग हमारे पे काम करते हैं इसको भी हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। हम भी समा देवी जी सर, मैं सिरमौर से हूँ। सिरमौर रहती हो? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए, हम भी कभी सिरमौर आया करते थे। हाँ जी सर। समा देवी जी, हाँ जी सर, हमें बताइए, आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? अभी PM किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया, और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।